सतनाम त्रासी माला भजा जन के पूर्ण हुए कामा करी का महाविख्या में लज्जा राखी राम जन के पूर्ण हुए काम करी का महाविख्या में लज्जा राखी राम रहाओ सिमर सिमर स्वामी प्रभु अपना नित नया वैजाम वैकुंठ मुक्त वैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थापी ओट सुख विश्राम गोविंद दबोदर सिमरो दरैन नानक सद गुरवान चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम गोविंद दबोदर सिमरो दरैन नानक सद गुरवान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु बारह महा माज महला पंजा घर चौथा क्यों का सतगुरु प्रसाद किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मिलो राम चार गुण कैद पर में थकाए प्रभु की शान तेंदु दे दे वाहि कि न आवे काम जल बिन साख कोमला रुकी के नाहीं दाम हर नारायण मिलिए साजन है तत्पाइए विश्राम जित कर हर करत न प्रगटि भट नगर से राम सर्व श्रृंगार तमोल रस सन देही सब खाम प्रभु स्वामी कंत बिहोनिया मीर सजन सब जाम नानक की वे नंतिया कर कृपा दीजे नाम हर मृदो स्वामी संत प्रभु जिसका नेचर धाम चेत गोविंद राधि होवे नंद घना संत जना मिल पाइए रसना नाम घना जिन पाया प्रभु अपना आए से घना एक खिन जिस विद जीवना विस्था जन्म जना जल सर्वे पूरे आया विच बना सो प्रभु जितना आवे कितना दुख घना जिन्हें आया सो प्रभु तिरना भाग बना हर दर्शन को मन लोचदार नाम दिग्रास मना चेत मनाए सो प्रभु तिसके पाए लगा चेत मनाए सो प्रभु तिसके पाए लगा वैसाख तीरन क्यों वाटिया जिन्ना प्रेम बशो हर साजन पुरख वैसार कै लकी माया तो पुत्र कृतना सब धना हर अविनाशी हो पलच पलच से मिली मुई झूठे धंधे मोहो एक हर के नाम बिन अगे नहीं खो प्रभु बेनती प्रभु लोग
अपने वन हर सज्जन का हो गया किसी ने भी वन मानक मोती नाम प्रभु लगे ना ही सन रंग सबे नारायण जेते मन पवन जो हर डोरे सो गए सोई दी करन जो प्रभु कीते अपने सी के तन अपन लिया जीव दे विचड़ क्यों रुवन साधु सक प्राप्त नानक रंग मारन हर जेठ रंगीला जिसने जिसके पाग मथन असार्थ बंदा तिस लगे हर नाम जिन्ना पास जग जीवन पुर त्याग कै मानस दियास दोए पाए रुचिए कर कई सुजम की फास ये हा विजय सोने मथे जो लिखास रैन में नानी बचतानी उठ चली गई निरास जिनको साधु भेटी है सो दर गए भय खलास कर कृपा प्रभु अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास प्रभु दुश्मन दूजा को नहीं नानक की अरदास असार स्वंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सस्ती कामनी जन कमर सम प्यार मंत्रता सच रंग को नाम हार विख्या रंग उड़ाया दिसम सब बेशार हरे मृत पूर्ण सुहावनी मिल साधु जीवन हार वन तेन प्रभु संग वालिया सबक पुर के पार हर मिलने नो मन रुचदा कर्म मिला बनहार जिनी सकिए प्रभु पाया हम तिन कह सब बलिहार नानक हर जी मैं कर सब सुवा निहार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम पुर हार पादर परम प्राणियां दूजे लंका हेत लख सिंगार बनाया काज ना ही केत जित दिन दे मिस सही तिन वेले कै संप्रेत पकड़ चलायन दूत जब किसे न देनी भेत छड़ खड़ोते किरे वाहे जिनसे लंका हेत हथ मरोड़े तन कपै स्याहु हुआ सेत जिहा विजय सोरने कर्मा सुंदरा खेत नानक प्रभु शरणागति चरण गोहित प्रभु देत से पादर नरक न पाहिए गुरु रखन वाला हेत असल प्रेम हमारा क्यों मिलिए हर जाए मंतन प्यार दर्शन कहीं कोई आम मिलावे वाय संत सहाई प्रेम के हम तिन कह न का पाए बिन प्रभु क्यों सुख पाई है दूजी ना ही जाय जिनी चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे अरहाए आप त्याग विनती कहे लिहो प्रभु लड़लाय जो हर कर्त मिलाया से विछड़ कहे न जाए प्रगण दूजा को नहीं नानक हर शरणाय असु सुखी वसंदिया जिना मैया हर जाए कतक कर्म कमावने दोष न कहूं जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापर सबे रोग बेमुख होए राम ते लगन जन्म जोग किन्ने कोड़े हो गए जितने बाया भोग विच न कोई कर सके किस थे रोवे रोज कीता कुछ न हो लिखा तो सजो बड़ पाकी मेरा प्रभ मिले ता उतरे सब योग नानक को प्रभ रात दे मेरे साहेब बंदी मोच कतक होवे सत्संग इनसे सबे सोच मगर माए सहंतियां हर पेशन बैठिया इनकी शोभा क्या करी जे साहेब मेल लिया तन मन मारिया राम स्यो संसार से लड़िया साध जना ते वारी से रहन के लड़िया तेरे दुख न कबहू उतरे से जम के बस पड़िया जिनी राव्या प्रव्यापना से दिसन नित खड़िया
धारणा अंगीकार होकर तेरा कार्य सब सुवारना सब नाग न सब स्वामी सुख मनो के सारे कहे नानक मन मेरे सदा राम हरना ले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब किश है जिस दे सो पावे सदा सिमरार तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कन्हे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गुवाइया कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब बुझाइया सदा प्रवान कीता गुरु मिटो जितियां उड़ियाइया कहे नानक सुनो संतो सब त्रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पांचे शब्द घर सुभाग है शब्द वाजे कला जित धारिया पांच दो तुद वास कीते काल घंट कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लाके कहे नानक ते सुख हुआ तित कर अन हद वाजे साची लेवे बिन देन वाणी दीन वाणी रे वाजू क्या करे विचारिया दुधवास मत कोई नाही कृपा कर बनवारिया इसनो होर था नाही सब लाग सवारिया कहे नानक देवे वाजू क्या करे विचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा कर विकटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरो जिनका मोह टूटा इनका शब्द सच्चे सवारिया कहे नानक ये आनंद है आनंद भुख जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे ता सो जन की करे कहानी अकत केरी जाए जियो मैं
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆ ਵੇਦਾਂ ਵੇ ਨਾਮ ਉਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀਂ ਫਿਰੇ ਜਿਉ ਵੇਤਾਲਿਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀਂ ਸਦਾ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ ਆਪ ਚੜ ਸਦਾ ਰਹੇ ਪਰਮਹਿ ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਨ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਠੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਭਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਜੋਨੀ ਪਰਮ ਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਬਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਵਹਰ ਰੰਗ ਜਪੋ ਸਾਰਕ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸਭ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ ਸਬਦ ਰਤਨ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਜਿਤ ਲਾਇ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਸੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪੈਕੁਣ ਜਿਨੋਂ ਦਿਸਾ ਗਏ ਕਬਰਦਾਸ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਵੇ ਰਾਸ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤਕ ਅਕਾਤਰ ਵਜੇ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ ਪ੍ਰਥਮ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਰਿਆਂ
पासे जी के बोल वाले बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु आप जी को सिखाना मन इमामा तू जी मत पर करा का होगा बने बाल उस सिखा सखी दान केस दान सौदान दोसा दान नाना सदान श्री अमृतसर शहर दशमी स्नान चौंकियां चले गुरु युग युग अकाल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु पंजा तख्ता सबक गुरुद्वारा जी वाहेगा अपने संगत लैके हाजिर होंगे
चरण कहो बकुम सुबरसना दीजिए प्राण को
कोई गन गुरु चरणा के नाल जोड़ दे, कोई नाम के नाल जोड़ दे, कोई ऐसा परोपकार मिले उस परमात्मा की याद बुला दे, तो मैं चरण कहूँ वो मैं चरण पकड़ के वो चरणा चूमा और वो चरण पानी नाल धो गुरु धो के वो चरणा की धूल जी मैं अपने उन्होंने आचमन करा, भाव मैं उन्होंने इशनान करा नाले मैं अपनी मां कोई जन कोई कोई भी ये नहीं कि कोई संत मिल जाए, कोई गुरमुख प्यारा मिल जाए, कोई भी किस तरह मिल जाए जो परमात्मा की सानू गल सुना, कोई वर्ण यह नहीं है। ये नहीं कि भगवे कपड़े वाला हो, चिट्टे कपड़े वाला हो, लम्बे चौड़े आए हो, कोई भी महाराज कोई जन उन्होंने कहा कि किस तरह का भी कोई हो परमात्मा के नाल जोड़ दे, तो वो उन्होंने बैठी देवगा। बाबा जी ने शब्द एक बार पढ़िया कि सिर वढ़ के बना दो बूढ़ा गला जो सुनावे दीजिए कौ नाम क्या दीजिए, शीस वटे घर वैसन दीजिए बिन सिर सेवक दीजिए। तो गुरु पातशाह जी कहते कि कोई जन हर सिंह देवे जोर वो चरण पकड़ के वो पैर पकड़ के चरण गहों वको सुबरसना मैं वो उसत करा, मैं वो चरण पकड़ के मैं उसकी आरती करा, मैं वो उसत करा, मैं वो बड़ियाई करा कि तू मैं टुटे हुए उस मार्ग के चरणा में जोड़ दिता। तो चरण गहो वको सुबरसना दीजे प्राण और मैं उस प्राण अपने निशावर कर देव जो मैं सच के नाल जोड़ दे उस मार्ग के चरणा में जोड़ दे। तो बाबा जी प्रीत जी कहते कि मेरे चंग दियाँ जुटियां करे कोई, कबीर महाराज कहते कि मेरे मेरे जरा चंग उतार के उस चंग दियाँ जोड़े बना के उसके पैरों में पा दिते जा। तो कबीर महाराज कबीर सुपने हों बरड़ा के जे मुख निकसे राम, ये सुपने विच भी कि राम का नाम निकल जाए, सुपने हों बरड़ा के जे मुख निकसे राम ताके पग की पल ही, पग कहते पैरों की पल ही कहते जोड़े न, तो ताके पग की पल ही मेरे तन को चाम, मेरे तन के चम दियाँ जुटियां कोई बना के पा दे। तो इस तरह महान महापुरुष भी कहते मेरे तन दियाँ जुटियां करे कोई, जोड़ा जीवन पिछले जीवन मराम जाए, तो जो पिछड़न मराता वो मेरे तन के चमड़ी उतार के वो जोड़े पा दिए जान, तो तभी थोड़ा है। इधर महाराज कहते कि जोड़ा हुक्मनामा महाराज ने बख्श किया कोई आ मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, जिन्हों पछोड़ा हो उस मार्ग का वोदिया नौ निशानियां होंदिया, उन्होंने नींद नहीं आती, भुख नहीं लगती, वह हर टाइम परेशान हो जाता। आशकारा नौ निशानी है पिसर आशकार दिया भाव जो परमात्मा को मिलने वाले उन्होंने नौ निशानियां होंदिया किड़िया किड़िया, आशकारा नौ निशानी है पिसर रंग जल उसके वियोग के विछोड़े के ऐसा विछोड़ा कि हर टाइम हर हर समय जिस वे भीली पता लग्या कि भगवान ने मेरी कुटिया में आना है, तो कोई पत्ता भी डिगदा सी कहते उठ के बाहर दौड़ते कि भगवान आ गए संत आ गए महापुरुष आ गए, कोई पत्ते का भी खड़ाका होना रात को होना उठ के बाहर दौड़ना कि भगवान आ गए भगवान आ गए, ऐसी ऐसी लगन ऐसी लगन जो उस लगन के हर समय चिंतित होकर शरीर का रंग जो है पीला हो जाएगा। आशकारा नौ निशानी है इस रंग जादो रंग मतलब जादो हल्दी रंग जादो कहते हल्दी रंग पीला रंग हो जाएगा, रंग जादो आह साधो आह मतलब होके भरना कि मिलेगा भी सानू। फरीद महाराज जी ने सारी उम्र बतीत कर दिती उसकी याद में, एक दिन बैठे बैराग के उन्होंने कहा कि मालक ये परमात्मा कि तू मैनू दर्शन नहीं देवेगा, मेरी सारी उम्र तेरे प्यार दे विच तेरे चरणा दे नाल बीत गई पर तू मैनू प्रत्यक्ष रूप दे विच दर्शन नहीं दे रहा। ते आवाज आई कहन लगे फरीद तू मैनू दूर समझदा, जे तू मैनू अपने नजदीक समझेगा तो मैं तेरे नाल है, मुझको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ मैं तो तेरे कोल हाँ। तो फरीद महाराज जी ने जिस वे देखा कि आवाज कितों आई तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप के गुरु नानक पातशाह जी दर्शन किए, तो गुरु नानक पातशाह जी को बैठे काली कोयल तो कित गुण काली अपने प्रीतम के हों दृश्य जाती ये शब्द उच्चारण किया। तो महाराज फरीद जी ने कहा जिस वे दर्शन किए
मार्ग के दर्शन कराए, अखां खुलियां तो कहन लगे महाराज मेरे विच ही दोष है। त्री जी कहन लगे मेरे विच ही दोष है, मैं तेनों दूर देखता रहा, मैं तेरी उड़ीक करता रहा, हम अवगुण सैना ही दोष, मेरे विच ही दोष है कि मैं तेनों अपने तो जुदा समझा रहा। तेरी कृपा दे नाल दा सारा जीवन, तेरी ही कृपा दे नाल सारे कार्ज हो रहे हैं, तो मैं तेनों दूर समझा रहा, इस करके मेरी भुल है। तो गुरु पातशाह जी ने इस अवस्था में दस्या कि आहा मरनिया की परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कदों मिलेगा, किस तरह मिलेगा, किड़ी अवस्था में मिलेगा, किड़े गुण धारण करा, किड़े गुणा के नाल वो मिलेगा, किस गुण के नाल परमात्मा की प्राप्ति करेगी। तो गुरु पातशाह जी कहते आह शब्द चशम कर अखा के बीचों हर समय आंसू बहाना, एक खुशी के अंदर गमी दे जिहड़ी वैराग में अवस्था के आंसू बहाने, मन गुण गावत बुद्ध शरीरा गद गद विरा नैन भर नीरा, शरीर रोमांच हो जाना, अखा अंदर आंसू बहाने शुरू कर देने, परमात्मा तू मेरे से कदों कृपा करेगा, मेरा मन कदों तेरे चरणों के नाल जुड़ेगा, ये संसार के नालों कदों टुटेगा। गुरु अरदास महाराज जी कहते कहन विदास बाजी जग भाई, बाजी गर्ज मोहे प्रीत बन आई। तो मैं उस मालक को याद किया, मैं संसार के पदार्थों को नहीं देखा, मैं संसार को नहीं देखा, मैं संसार के मालक को देखा, इस करके मेरी प्रीत गोबिंद से, मेरी प्रीत जो है उस मालक के नाल है, ना कि उसके पदार्थों के नाल। तो गुरु पातशाह जी कहते कि मेरी प्रीत गोबिंद से हो, मैं तो मोर मैनू कंचन से नहीं पाईए तोर, मन दे राम दिया है मोर। तो कंचन के नाल पदार्थों के नाल परमात्मा महाराज जी नहीं होंगे। तो महाराज कहते संत की सेवा हर नाम से आइए, जे परमात्मा का यह मन सिमरन करता तो वह ही असली सेवा है। ये पदार्थों की सेवा तो थोड़ी देर वास्ते है, और मिथ्या है, झूठ है, इसे करके होमे आ जाती है, सिमरन करने के नाल होमे दूर होती है। तो महाराज कहते जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, तो जिस वे तू करता तू हुआ मुझ में रहा न दूर, जब आपा परका मिट गया जब देखा तक तू। तो गुरु पातशाह जी के चरणों के अरदास करनी और हर समय आंसू बहाना कि परमात्मा कदों तेरे दर्शन होंगे, कदों मैनू शांति आएगी, कदों मैं तेरे चरणों के नाल जुड़ांगा, यह समा कदों मिलेगा, मेरा मन कदों तेरे चरणों में जुड़ेगा और किस भावना जुड़ेगा, कौन बनाएगा, कोई बनाएगा मैनू तेरे चरणों के नाल, कोई जोड़ेगा। तो गुरु पातशाह जी कहते कोई जोड़ दे, कोई कह दे तो मैं अपने प्राण निशान कर देवा और मैं अपने चम दिया जुतियां बना के उसके चरणों में पा देवा, मैं वह शीस अपना उतार के उन्होंने मूढ़ा बना के दे देवा, मैं वो आरती करा, मैं वो बड़ियाई करा, मैं वो चरणों तो वार बार अपने उन्होंने कुरबान जावा जिन्होंने मैंने परमात्मा के चरणों का जोड़ दिता। तो गुरु पातशाह जी कहते आह साधो चशम कर इंतजारी, बेकरारी बेकरारी कि कदों मिलेगा, उठ के दौड़ना कि हूँ भी परमात्मा आ गया, पता नहीं किहड़े रूप में आ गया। फरीद जी ने जिस वे उन्होंने कहा, फरीद जी ने कि मेरा सारा शरीर जो है सारा नोच लो पर मेरी अखा ना नोचो, क्योंकि मैं अखा द्वारा उस परमात्मा के दर्शन करने हैं। तो काग उठ के चले गया, तो फरीद जी ने आवाज दबाई शायद उसे रूप में, क्योंकि रंग सुबह नारायण है जिते मन पवन, आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। गुरु पातशाह जी कहते हर एक रंग के रंग है, वह हर एक रंग के नाल रंगया होया। तो गुरु पातशाह जी कहते कि ऐसा रंग है मेरे मजीठिया मालक का, वह कभी फिका नहीं पैंता, वह कभी कच्चा नहीं पैंता, वह कभी उतरता नहीं, इस चढ़ जाता। तो गुरु पातशाह जी कहते कि रंग दे उस रंग को, उस चोले में मेरा ये जीवन रूपी चोला रंग दे उस रंग के, जिस रंग को मुठ के कभी फिका ना पड़े। तो गुरु पातशाह जी कहते कि आह सरदो चशम कर इंतजारी बेकरारी दस सर, जो सोना पूरा अपना शरीर नहीं जमीन के नाल बिस्तरे नाल लटाना, इस तरह अद्धा शरीर भाव अपने बांह का सहारा अपने हाथ का सहारा दे के शरीर को फटाफट उठना पवे, तो मैं कितने बुरी नींद में ना सुता हुआ वो बोल दी मेरे लंघ जाए। तो आह सरदो चशम कर इंतजारी बेकरारी दस सर, दस कहते हाथ सर नाम सानू सहारा दे के अपना सिर उपर रखना कि पता नहीं किहड़े वेले उठना पै जाए, किहड़े वेले मेरे परमात्मा आ जाए, तो मैं कहते देर ना कर दूँगा उठने। गुरु पातशाह जी ने
जिस वे महाराज गुरु अमरदास जी सेवा निभाते तो महाराज जिस वे कि आवाज भी सुन पैनी तो उस वे उठ के खड़े हो जाना। सावधान अकाबर जीत रब की उसत करो संत मीत, सावधान अकाबर जीत। तो एकाग्रता बना के रखनी, स्वप्न जाग निंद्रा जागृत होनी और स्वप्न में जागृत होनी, तो यह अवस्था जिस वे बन जाती है तो फिर महाराज कहते कि दस सर इंतजारी बेकरारी दस सर ये नौ निशानियां गुरु प्यारे दया। तो गुरु पातशाह जी कहते कोई जन हसो देवे जोर, कोई मैनू इस तरह बढ़ा दे भी मार्ग के चरणों के नाल, कोई जन हसो देवे जोर, कोई आम बनावे मेरा प्रीतम प्यारा और जिस पर आप बिचाई, मैं अपना जीवन अपना सारा समर्पित कर देवा जे मैनू उस मार्ग के नाल जोड़ दे, मेरा मन जोड़ दे उस परिपूर्ण परमात्मा ने उसका मैं ज्ञान करा दे। तो दर्शन हर वेखन के ताई, दर्शन हर देखने के ताई कृपा करे तो सतगुर मिले हर हर नाम के आई। ये गुरु तो बिना, क्योंकि गुरु में कोई लालच नहीं है, गुरु कोई लालच नहीं रखता, बस एक लालच रखता। महाराज कहते कि जिस वे नामदेव जी की छपरी बनाई तो उन्हें उस मिस्त्री को मालिक ने कहा कि मैं उस मिस्त्री को बुला दो, मैं भी अपना घर वधिया बनाऊंगा। तो नामदेव जी कह लगे भैन री बाई बेटी दे ना जाई, ये भैन वो बेटी इस तरह नहीं आता, वो दिता नहीं जाता, अपने आप ही आता। तो कहते उसकी मजदूरी की है, वो कहते लोग कटप सब होंगे तोरे, जो लोगों के नालों कटप नालों संसार टुट जाए ना तो फिर अपने आप ही आता। तो फिर मंगता की आ महाराज कहते नामदेव जी को जिस वे दर्शन हुए सारा कुछ बनाया तो फिर भैन कह लगी कि वो जी जो काम करता वो लेंदा की आ। तो कहते बेटी प्रीत मजदूरी मांगे, बेटी जो है मिस्त्री जो है वह प्रेम की मजदूरी मंगता। तो बेटी प्रीत मजदूरी मांगे जे को शान छुड़ावे। गुरुदास महाराज जी कहते कि जोता बांधे नो पास, हम प्रेम बंधन तो बांधे अपने छूटने को जतन करो, हम छूटे तुम हराते। तो गुरु पातशाह जी ने ऐसा सानू एक मार्ग दसिया कि आप गुवाइए शौक आइए। तो उस मार्ग को जो पाना है तो अपने आप को धोना पैना, तो फिर ही उसकी प्राप्ति होगी। सतगुरु मेरे हर हर नाम ते आई, जिस वे गुरु कृपा कर देगा तो फिर हर हर नाम ते आई मेरा मन जो है उस हरि परमात्मा जो परिपूर्ण है, हरि हरंती पापा ने दुश्चित रवि सिमरत वाले शहद है ते पाप कह। गुरु पातशाह जी कहते जिस तरह अग्नि बनस्पति को साड़ दिंदी है, इस तरह पापा हरि हर लगा है वो अग्नि रूप होकर खत्म कर दिता पहाड़ा भावा कि पहाड़ हो पापा के किनके दे नाल किनका जे जीव सावे ताकि महिमा गनी ना आवे। तो गुरु पातशाह जी कहते सतगुर मेरे हर हर नाम ध्याई रहो, जे सुख दे ता तुझे हरा थी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख दे ता इत्थी रह जा, जे तेनू तू मैनू अपने विछोड़े का दुख देना ते उस विच भी मैं राजी हाँ, ते जे तू कृपा करे मैनू दर्शन दे दे तो मैं तेरी रजा में रह के तेरे गुण गावा, तो वह भी तेरी वड्याई है। तो गुरु पातशाह जी कहते जे भुख दे तो एक ही राजा, दुख में सुख मनाई, तन मन काट काट सब करती विच अग्नि आस जगाई, पखा फेरी पानी ढोवा जो देवे सो खाई, नानक गरीब पैर पैरा द्वारे हर मेल लिओ वड्याई। गुरु पातशाह जी ने सानू पखा फेरी संगत विच जो संगत बैठी आ पुरातन देखिए तो अपन पक्षियां लैके संगत नूं झलदे आ, क्योंकि पुरातन झलदी है ये मर्यादा। पखा फेरी संगत नूं पखा झलना, गुरु नूं पखा झलना चौर करनी ते ये एक वड्डी है। पखा फेरी पानी ढोवा संगत वास्ते लंगर वास्ते पानी महाराज जी बारह पोह तो लियांदे रहे आ संगत की सेवा करने वास्ते। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तो 12 पोह तो पानी लिया के संगत की सेवा विच पहला महाराज दे इशनान कराउणे, फिर उहों गागर लिया के ते संगत विच वरतौणे पानी। तो पखा फेरी पानी ढोवा जो देवे सो खाई, गुरु पातशाह जी ने नानक गरीब तैसा द्वारे हर मेल लिखो
ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਖੀ ਕਾੜ ਧਰੀ ਚਰਨਾਂ ਤਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀ ਕਾੜ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੇਤਰ ਪਛਾਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀ ਕਾੜ ਧਰੀ ਚਰਨਾਂ ਤਲ ਸਭ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਮਤ ਪਾਈ ਜੇ ਬਾਤ ਬਹਾਲੇ ਕਰ ਤੁਝੇ ਰਾਖੀ ਜੇ ਮਾਰ ਖੰਡੇ ਕੀ ਤਿਹਾਈ ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵਾਰਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋ ਕਣ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਲਓ ਚਾਹੇ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂਕੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਕਰਿਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਬੁਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਈ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ
बैसाख तिरन क्यों वाडिया, बैसाख तिरन क्यों वाडिया, बैसाख तिरन क्यों वाडिया, जिन्ना प्रेम बशो, जिन्ना प्रेम बशो, अकेले ये खोए, अकेले ये खोए।
सारा कुछ उत्थे रह जाना तो नाल की जाना नाम बंदगी उस परमात्मा का सिमरन तो अगे लिए खोए सारा कुछ पिछे रह जाना इको एक जाएगा की जाएगा नाम साथ जाएगा जीवन में तो गुरु पातशाह जी कहते एक सार के नाम फिर अगे लिए खोए तो नाम की कमाई करो गुरु पातशाह के चरणों के नाल जुड़ के उस मार्ग का धन्यवाद करो अज मार्ग ने सानू समा बख्श किया कई प्राप्त मानुख दे बुरिया गोबिंद बन के तेरी बुरिया और काज तेरे कितने नाकाम मेरे साध संत भज के बनाओ ते गुरु पातशाह जी के चरणों के विच अरदास करिए पातशाह जे तू तुठा कृपा निधान ना दूजा विखाल बस तू ही नजर आवे मेरे हिरदे विच तू ही होवे दूसरी जगह ना होवे गुरु पातशाह जी कहते दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए उन्होंने बिठाने वास्ते दिल का हुजरा ये अंदरों हिरदा साफ कर दे बस तू ही तू नजर आवे तेरी ही याद हिरदे विच वसी रहे तो गुरु पातशाह ऐसी दृष्टि कर दौ ऐसी मेहर कर दौ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सुन भैन शिवदास महाराज की जय। अज बड़ा ही विसाखी का पवित्र दिहाड़ा है सारिया संगत बड़े धूमधाम का नाम ला रही हैं डेरा साहब बाबे गुरदास बाबे जोड़ी के स्थान पर सुबह सवेरे साहब श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए उपरंत बाबा जी ने अपने मुखारविंद तो विसाख के महीने की हुक्मा दसी और कीर्तन किया। अज का त्यौहार बड़ा खुशियों का दिन है अज का दिन जो है अज के दिन खालसा पंथ की साजना दिवस है अज के दिन खालसा पंथ की साजना की गई सी उत्थे ही जिहड़े किसान हैं जिहड़े कणक की खेती करते हैं वह भी कणकां दी अज के दिन बड़ी खुशी के नाल मनाते हैं क्योंकि कणकां पक जांदियां हैं और जिथे ये खुशी का त्यौहार है उत्थे ही जलियांवाले बाग का बड़ा खूनी सप है 13 अप्रैल 1919 जलियांवाले बाग के हत्थे लोगों के गोलियां चला के हज़ारों की तादाद रखा तादाद शहीद किया तो उन्होंने शहीदों भी आप प्रणाम करते हैं जिथे ये त्यौहार उत्थे ही गुरु रविदास जी महाराज ने 13 अप्रैल के दिन से ही पत्थरी जो तराई सी गंगा के पत्थरी तरावण दिवस के रूप के पूरी विश्व दंगत मना रही हैं। आओ इन्हों त्यौहारों की उपमा जाए इतिहास में जाए उन्होंने महापुरखों के प्रवचन सुनीए संत बाबा निर्मलदास जी महाराज ने अपने मुखारविंद तो जो थानू उपदेश किया है ये बड़े बड़मुले उपदेश हैं ये लपट जाओ महापुरशों मिलने तो मिलते नहीं है तो इतने गंगा चली हुई है प्रवाह चलिया हुआ है गंगा का तो जिते कुछ मंगने की लोड़ नहीं सब कुछ बिना मंगिया मिलता है तो बाबा जी अरदास करते हैं। और मैं अज दसना चाहती कि इतने इसे पिंड सरदार महेंद्र जीत सिंह जी USA जिन्होंने डॉक्टर्स ने जवाब देता से कि बिल्कुल लास्ट ईयर घर च लै जाओ और एक महीना बाबा जी ने इसे स्थान पर उन्होंने वास्ते सुखने साहब के पाठ पाठ खंड पाठ साहब और अरदासा कीतिया तो हूँ कल उन्होंने बाबा जी ने फेसबुक पर गल हुई कि बिल्कुल ठीक है तुर फिर तो इस स्थान पर बड़ी पवित्र स्थान है बाबे जोड़िया का तो जिथे अज बाबा विसाखी मना रहे उत्थे ही जो दुख निवारण सरोवर है 2 साल तो असी उस सरोवर की रेनोवेशन कर रहे उत्थे छत पाई है टाइलां लाइया बड़ा सुंदर सरोवर बनाया है इस सरोवर की बड़ी महत्ता है और असी अपने अखी देखा हुआ कि काफ़ी लोग जो संगत इतने आने जिन्होंने स्किन की प्रॉब्लम चमड़ी के रोग हैं शरीरक रोग हैं वो इतने आके इनान करते हैं तो उन्होंने शरीरक रोग जो खत्म हो जाते हैं पिछले तो पिछले महीने की गल है कि इतने नुस्सी तो हसबैंड वाइफ दोनों उन्होंने शरीर के दर्दा हो रही थी बहुत लगातार और 3-4 महीने दर्दा क्योंकि ये जड़ियाँ मनगढ़ंत कहानियां नहीं है ये सच्चाई आ तो बाबा जी को आए कि बुजुर्ग से बाबा जी साढ़े शरीर की दर्द नहीं हटती तो उन्होंने इतने 11 दिन इशनान किया 11 दिन में डेली देखती सी 4 बजे आते पूरी सर्दी के दसंबर के महीने के उन्होंने इशनान करना तो जो उन्होंने गलबात हुई कहते साढ़े शरीर की दर्द बिल्कुल ठीक हो गई है तो इतने क्योंकि बाणी का कुंभ चलिया हुआ है इतने पवित्रता है तो इस स्थान पर जो महापुरखों ने बूटे लाए हुए हैं ये दुख निवारण सरोवर सारिया संगत ने अज उत्थे विसाखी नहानी है जल लेके जाना है इशनान करना है तो इन्हों शब्दों के नाल मैं सारी संगत का कोटन कोटन धन्यवाद करती हाँ। आओ सारे प्रसाद लैके गुरु का लंगर बनया है तो लंगर खा के गुरु दियाँ खुशियां प्राप्त करनिया बाबे दियाँ खुशियां प्राप्त करनिया
उत्थे ही मैं मीडिया का जनतक टीवी का फैन अंबेडकर का और महिंद्रा स्टूडियो का और साडे जगबाणी तो जतेंद्र जी सदा कैद साहब जी आए हैं उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय पर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। सच्चियां परीता असा तेरे नाल जो I'm not afraid to die।
तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे।